नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है, यानी कोशिका विभाजन। एक नई कोशिका का टूट फूट कर एक नई कोशिका का निर्माण करना सेल डिवीजन कहलाता है या कोशिका विभाजन कहलाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है तथा सेल प्लेट में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन यानी एमेटोसिस, यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे विषाणु, बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा इत्यादि। समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस, यह सोमेटिक सेल का बना होता है, जैसे कि हमारा शरीर का पूरा अंग सोमेटिक सेल से बना हुआ है। यहाँ ओवम और स्पर्म को छोड़कर सभी जगह पाया जाता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो नई डॉटर सेल का निर्माण करता है। डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी पाई जाती है। पांच फेज होता है। इंटरफेज, इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम केंद्रक से अलग होता है। प्रोफेज, इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है तथा न्यूक्लियस यानी केंद्रक अलग हो जाता है। मेटाफेज, इसमें स्प्लिंडर फाइबर पूर्णतः विकसित हो जाता है तथा यह सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चला जाता है। टेलोफेज, यह सबसे विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है, इसमें कोशिका विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाती है, जैसे चूहों का पूंछ कटने के बाद तुरंत ही पुनर्निर्माण हो जाता है या छिपकली का पूंछ कटने के बाद कुछ ही दिन में पुनर्निर्माण हो जाता है, जैसे गेंडा, उसको भी काट दीजिए और वहाँ फिर से उसका मांस जल्दी भर जाता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, इसमें स्पर्म और ओवम दोनों में यह विभाजन होता है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधी हो जाती है। एक मदर सेल टूटकर चार डॉटर सेल का निर्माण करती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसमें प्रोफेज की घटना होती है जिसमें से 22 गुणसूत्र मेल का तथा फीमेल का 22 गुणसूत्र एक साथ एक जगह मिलकर संलयन करता है तथा एक एक्स वाई में से दोनों कोई एक रहता है और फीमेल में का एक एक्स रहता है। ये दोनों मिलकर 46 बन जाते हैं और एक चाइल्ड का निर्माण करते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।